कपिल शर्मा की वाइफ से भी ज्यादा खूबसूरत है चंदू चाय वाले की वाइफ। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने शारदा कर ली है और उन्होंने दो जगह रिसेप्शन किया है। मुंबई वाला रिसेप्शन कपिल ने फिल्मी सितारों के लिए रखा था। कपिल ने इस रिसेप्शन में बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां को बुलाया है। बता दें कि कपिल शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन में दीपिका, रणवीर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, रेखा, रवीना टंडन, साइना नेहवाल, अमीषा पटेल जैसे कई दिग्गज स्टार्स पहुंचे थे और उनकी खुशियों में चार चांद लगाया। बॉलीवुड सितारों के अलावा छोटे पर्दे से कीको शारदा, सुमोना चक्रवर्ती, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, नेहा पेंडसे, जय भानुशाली जैसे के सितारों ने भी शिरकत की। इन सब सितारों में चंदन प्रभाकर भी अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ आए थे और चंदन की पत्नी सबसे खूबसूरत दिख रही थी। कपिल के दोस्त चंदन प्रभाकर यानी चंदू, जो कि कपिल के शो में चंदू चाय वाले का रोल करते थे, अपनी पत्नी के साथ इस रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे। रिसेप्शन पार्टी में चंदन की पत्नी बाला की खूबसूरत लग रही थी और उनके आगे सभी अभिनेत्रियां फीकी लग रही थी। आपको बता दें कि कपिल शर्मा जल्द अपने शो के साथ छोटे पर्दे पर नजर आने वाले हैं। उनके साथ कृष्णा अभिषेक भी इस शो का हिस्सा होंगे। कपिल शर्मा ने अपनी शादी और रिसेप्शन पर एक नेक काम भी किया है जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं हो, पर जब आपको पता चलेगा तो आपको उन पर गर्व होगा। खबरों की माने तो एनजीओ के मालिक ने कपिल से शादी में बचा खाना एनजीओ में डोनेट करने को कहा और वे तुरंत मान गए। इस प्रकार कपिल की शादी और रिसेप्शन दोनों में ही खाने की बर्बादी नहीं हुई और किसी को अच्छा खाना खाने को मिल गया। हमें भी कपिल से कुछ सीखना चाहिए और अपनी खुशियों में उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जिन्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है।